अरे बहू, ओ बहू, ला मीना को राशन बता दे सामान जो तेरा ससुर जी ने लिस्ट दे दूं। सामान की लिस्ट मांग रहे हैं पे। मम्मी जी यहाँ करो, 1 किलो तो चाय पत्ती लिख लो और 5 किलो चीनी लिख लो, सब बीत रही है। 1 किलो चाय की पत्ती, अभी 2 महीना पहले तो तेरा ससुर जी 1 किलो चाय की पत्ती ले रहा है, इतनी जल्दी खत्म कर दी। और 5 किलो चीनी, अभी 1 महीना पहले ले आया 5 किलो। तो मम्मी जी एक बार बताओ, पिछले महीने सर्दी गई है, सर्दी में 3-3 टाइम चाय बनी है, चाय के लिए चाय पत्ती तो लगेगी ना, ये चाय ऐसे ही आ जाएगी। और इसके अलावा मम्मी जी 5 किलो चीनी, अब बहू गाजर का हलवा बना दे, सर्दी है, अब बहू गर्मी है, आम शेक बना दे, मैंगो शेक बना ले, आज पपीता शेक बना ले, तो मम्मी चीनी लगती है कि वो ऐसे ही पानी से बन जाता है शेक। एक तो घर चलाने को ना और ऊपर से जवाब बोल दिया करें। मम्मी जी 5 किलो घी और लिख लो, घी बीत रहा है पूरा। 5 किलो घी, अरे भाई 3 महीना पहले तो ले दिया तेरा ससुर जी तेने घी को डब्बो, बिने भी खाजी के सारा नहीं। 5 किलो घी भी कोई मंगाया करे एक? घी का तो मैं ऐसा करती हूँ, रोज सवेरे जगती हूँ, 1/2 लीटर घी है ना, जैसे खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं ना, गुनगुने पानी के साथ में लगे हाथ 1/2 किलो घी भी पी जाती हूँ, तो वो घी ज़्यादा चलता नहीं है मम्मी जी, तो इस घर में कोई ही नहीं खाता मेरे अलावा, जब भी तो मैं ऐसी हुई हूँ। कमाई तो हाथ को नहीं, ये लियाओ वो लियाओ फलाना लियाओ। बहू आज चाय पत्ती चीनी ये मंगा रही है, वो मंगा रही है, ये मंगा रही है, ये मंगा रही है, घी मैं ही खा रही हूँ इस घर का सारा घी, ये तो सूंघ सूंघ के रख देते हैं, बस ऐसा करो कुछ भी खाओ पियो मत, बस सूंघो रख दो। अरे भाई यहाँ निकल चलाओगे तो यहाँ तो सामान पूरा सो, और तो भट्टो भी था देसी भाई, चलो लिख ले, और कोई सामान है वो भी बता दे।